अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट फेज ऑफ चैप्टर नंबर 11, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अब इसमें देखें, बेसिकली दिस इज द स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन जो कि मैट्रिक में भी पढ़ा होता है स्टूडेंट्स ने, 9th-10th में, 8th क्लास में भी पढ़ा होता है कि दिस इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी, जो कि हमारे अंदर एटीपी हार्वेस्ट करने का प्रोसेस है। उसमें हम ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करते हैं, जिसको हमने ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। और इसके चार फेजेस हैं: ग्लाइकोलाइसिस, पैरविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रब्स साइकिल एंड रेस्पायरेटरी चेन। तो इन सब प्रोसेसेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहली फेज आती है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि बड़ा क्विक इसमें रिव्यू देने की कोशिश करूंगा कि जल्दी कवर हो जाए। तो इसमें देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे ब्लड में से, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए हमने ग्लूकोज अपटेक की होती है, वो सेल के अंदर मूव करती है, हर सेल के अंदर। और जैसे ही सेल में जाती है, दिस विल ब्रेक डाउन इंटू टू पैरोविक एसिड या पैरोवेटाइन। तो इस स्टेप को, जिसमें ग्लूकोज टू पैरोविक एसिड में ब्रेक डाउन होती है, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो कि साइटोसोल में होता है। और इस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन है एरोबिकली, फिर भी हो जाता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जो एवोल्यूशनिस्ट पीपल हैं, उनके अकॉर्डिंगली मोस्ट प्रिमिटिव रिएक्शन जो एटीपी हासिल करने का सेल के अंदर है, वो ग्लाइकोलाइसिस है। यानी कि जो लाइफ प्रोकैरियोट से शुरू हुई थी, बैक्टीरिया से शुरू हुई थी, उन्होंने अपनी एनर्जी जिस प्रोसेस से हासिल की थी, डेट वॉज ग्लाइकोलाइसिस। इधर इट इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, लेकिन स्टिल इससे हमें कुछ एटीपी मिलती है। उसके बाद ये इसमें जो हमें एटीपी और एनएडीएच की जरूरत होती है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि बुक के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये आपको चार पॉइंट्स मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद हमने इसको दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, जिसमें एनर्जी यूज होगी, सेल खुद एक्सपेंड करेगा एनर्जी, और जिसमें हमें एनर्जी मिलती है उस फेज को हम कहते हैं जी एनर्जी जिसमें स्टोर्ड होती है या एटीपी हमें मिलती है, डेट इज ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज। इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं, बिकॉज इन दिस प्रोसेस वी गेट एटीपी। सो ये ब्रीफ इसका एक इंट्रोडक्शन था ग्लाइकोलाइसिस का। अब हम जो मेन टॉपिक पे जाएंगे कि ये होता किस तरह है, कि ग्लूकोज पैरविक एसिड में टूटता कैसे है, वो हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल के अंदर। सो नेक्स्ट देखें कि ग्लाइकोलाइसिस किस तरह होती है। उसमें देखें, ओके जी, प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर एंटर हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये हम प्रिपरेटरी फेज पहले पढ़ रहे हैं, जिसमें एटीपी यूज होगी। एटीपी के एक मॉलिक्यूल ने अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल वो ऐड कर दिया कार्बन नंबर 6 पर, तो ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। जो फॉस्फेट एटीपी ने डोनेट किया है वो कार्बन नंबर 6 पे ऐड होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, एल्डो शुगर कीटो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से, तो ग्लूकोज चेंज इनटू फ्रक्टोज। बाकी कोई चेंज नहीं आया, ना कार्बन नंबर पे ना फॉस्फेट पे, तो क्या नेम हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एडीपी फिर है एक मॉलिक्यूल दे देगी उसको, पहले 6 पे कार्बन पे लगा हुआ है, अब लगेगा कार्बन नंबर 1 पर, क्योंकि 1 और 6 ही फ्री होते हैं ग्लूकोज में। जैसे ही 1 कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट लगा बाय एटीपी, खुद वो एडीपी में कन्वर्ट होगी, तो फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट हमें मिले। ओके, जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जिसके 1 पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है, 6 पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है। अब यहां पर एंजाइम क्या करेंगे, फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट को स्प्लिट कर देंगे 2 मॉलिक्यूल जिसमें 3-3 कार्बन होनी है, यानी कि इसमें भी 3 कार्बन होंगी, और जो ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है उसमें भी 3 जो है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, सॉरी फॉस्फेट नहीं, कार्बन, 3 कार्बन इसमें, 3 कार्बन इसमें।
तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बन गए, एक को नाम दिया डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, दूसरा है ग्लैसिरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। एक एल्डो शुगर थ्री कार्बन वाली, एक कीटो शुगर थ्री कार्बन वाली। अब हमारे अंदर ऐसे एंजाइम है जो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको फर्दर प्रोसेस करने के एंजाइम नहीं है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को फर्दर प्रोसेसिंग के एंजाइम नहीं है हमारी बॉडी में, जस्ट कन्वर्जन के एंजाइम है, इसकी प्रोसेसिंग के नहीं है। सो क्या होगा, ये तो हमारे पास ग्लाइसिरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट मौजूद है ही इस साइड पे, ये वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के अंदर, यानी के G3P के हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से जो कन्वर्ट हुआ है दूसरा ये मॉलिक्यूल हमें दो मिल जाते हैं। सो इसलिए इन दोनों की सेम प्रोसेसिंग नेक्स्ट होगी, दोनों तरफ सेम जो है वो प्रोसेसेस चलेंगे। ओके, फिर क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होती, फ्री फॉर्म की फॉस्फेट, उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, वो ऐड होगी और NAD रिड्यूस होगा NADH में, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन निकलेगी क्योंकि इनके बहुत बड़े स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हम सिर्फ उसकी केमिस्ट्री पे कन्वर्जन पे फोकस कर रहे हैं, केमिस्ट्री पे नहीं। यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, इसको मिलेगी ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस NADH हमें मिला, और साथ में क्या ऐड हुआ, फॉस्फेट। थ्री पे फॉस्फेट पहले मौजूद है, अब वाला जो फॉस्फेट ऐड होगा वो कार्बन नंबर वन पर होना है, क्योंकि पहले ये थ्री कार्बन की शुगर है, थ्री पे फॉस्फेट लगा हुआ है, थ्री फॉस्फेट इसलिए कह रहे हैं वन फ्री है, तो वन थ्री बाई फॉस्फोग्लाइसिलेट बन जाएगा। इधर भी ऐसे सेम स्टेप इधर भी। ओके, यहां तक का जो प्रोसेस है, जब ये तीन तीन G3P बना है, एक दो ATP यूज हुए हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज बिकॉज एनर्जी इज एक्सपेंडेड। ओके, देन उसके बाद ऑक्सीडेटिव फेज में, अब देखें NADH मिला 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसिरेट, 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसिरेट, दो फॉस्फेट के बॉन्ड इसमें है, दो फॉस्फेट के बॉन्ड इधर है। अब एक फॉस्फेट ये दे देंगे ADP को, और उसको एक फॉस्फेट जब मिलेगी इट विल कन्वर्ट इंटू ATP। इस साइड पे भी ऐसे 1,3 बाई फॉस्फेट ADP को एक फॉस्फेट दे देगा कार्बन नंबर वन वाला, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर, पीछे कार्बन नंबर थ्री की फॉस्फेट रहेगी, तो कंपाउंड का नेम क्या हो गया, थ्री फॉस्फोग्लाइसिरेट, क्योंकि वन वाली फॉस्फेट चली गई है, थ्री कार्बन वाली मौजूद है, थ्री फॉस्फोग्लाइसिरेट इस साइड पे भी, थ्री फॉस्फोग्लाइसिरेट इस साइड पे भी। देन इसका भी आइसोमर बनेगा, यानी कि इसका अगर फॉस्फेट कार्बन नंबर थ्री पे था तो वो कार्बन नंबर टू पे आ जाएगा, नाम क्या हो गया, टू फॉस्फोग्लाइसिरेट। ये वाला थ्री फॉस्फोग्लाइसिरेट भी टू फॉस्फो में, 2PG, ये वाला भी 2PG में कन्वर्ट हो गया, सेम स्टेप्स। फिर इसके अंदर वाटर की डिहाइड्रेशन होगी, वाटर विल डिहाइड्रेट, विल रिमूव आउट यहां से भी दोनों साइड से, सेम स्टेप। देन वी विल गेट फॉस्फोइनोल पैरोवेट, जिसको हम PEP कहते हैं। PEP के अंदर भी एक फॉस्फेट है, बिकॉज फॉस्फो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं, तो फाइनली वी विल ट्रांसफर दिस फॉस्फेट ADP एंड ADP कन्वर्ट इंटू ATP, अगेन ADP कन्वर्ट इंटू ATP। जैसे ही फॉस्फेट खत्म हुए फॉस्फोइनोल पैरोवेट से, फाइनली वी गेट पैरोवेट इस साइड पे भी एंड पैरोवेट इस साइड से भी। सो हमें फाइनली इस स्टेप में जो सेकेंड फेज हुई है, इसको हम दो पैरोवेट हासिल करने में जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज, क्योंकि इसमें हमें ATP खुद मिली है, इसमें यूज हुई थी जो पहले स्टेप है। सो फाइनल कंक्लूजन अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें कंक्लूजन में दो पैरवेक एसिड मिलते हैं, 1,2 ग्रॉस ATP, यानी कि टोटल ATP जो हमें मिली 1,2,3,4 फोर मॉलिक्यूल यूज ATP पूरे प्रोसेस में जो हुए, दैट इज 1,2 यूज ATP 2। सो जो नेट ATP अगर आपको पूछता है 4 माइनस 2 करें तो आंसर
टू आएगा, ग्रॉस टोटल एटीपी बने फोर, यूज टू हो गए, तो जो हमें बचेंगे इस प्रोसेस में डेट इज इक्वल टू नेट एटीपी, वो दो है, और एनएडीएच वो हमें कितने मिले, एक दो, वो भी हमें दो मिले। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, सो जिसमें हमें पैरविक एसिड मिलता है, और ये साइटोसोल का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, पैरविक एसिड की ऑक्सीडेशन कैसे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे। अब आपको मैं नेक्स्ट एक्चुअल में बताऊंगा आपने इसको याद कैसे रखना है। अल्लाह हाफिज़।